हेलो नमस्कार मित्रों, मैं मोहन पांडे, कैसे आप लोग, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल आनंद आर्ट टेक्निक। तो चलिए बात कर लेते हैं मेन मुद्दे के मित्रों, कि हम अपने अपलोड किए हुए YouTube वीडियो में क्या क्या एडिट कर सकते हैं या फिर क्या क्या उसमें बदलाव कर सकते हैं, क्या क्या चेंज कर सकते हैं। तो मित्रों, मैं आपको ये जानकारी ये बता दूँ कि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पर, उसके बाद में हम उस पर कुछ चीज़ें बदलाव कर सकते हैं। क्रोम ब्राउजर में जाकर के, वीडियो मैनेजर में जाकर के, वहाँ से भी हम उसे एडिट कर सकते हैं और वहाँ पे भी स्ट्रीम वगैरह की सुविधा मिल जाती है हमें। यही सुविधा हमारे YT स्टूडियो यानी YouTube स्टूडियो एप्लीकेशन, जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है उसका, उस पर भी मिल जाती है। मित्रों, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूँ कि हम इसमें अपने अपलोड किए हुए वीडियो में क्या क्या चेंज कर सकते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि यार, आप अपने कंटेंट थंबनेल को चेंज कर सकते हैं। कंटेंट थंबनेल को चेंज करने के साथ साथ आप अपने डिस्क्रिप्शन को चेंज कर सकते हैं, आप अपने टैग को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका टैग कुछ कम है या कुछ ज़्यादा है, उसमें कम ज़्यादा करने की ज़रूरत है या फिर कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, तो आप अपने टैग्स को भी वहाँ से हटा करके और भी नए टैग्स वहाँ पे ऐड कर सकते हैं या रिमूव भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली मित्रों। टैग्स हम कुछ भी चेंज कर दें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली मित्रों। लेकिन आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं मित्रों, कि अगर आप टाइटल चेंज करते हैं अपने वीडियो का, टाइटल जो नाम देते हैं अपने वीडियो का, वो अगर चेंज करते हैं आप, तो मित्रों आपको बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों, तो मित्रों मैं आपको बता दूं कि मित्रों, हम अपने वीडियो को जब भी अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, तो उस टाइटल का जो टाइटल हम देते हैं उस वीडियो को, उस टाइटल का नेम जो होता है वो यूट्यूब अपने एल्गोरिथम में भेज देता है। कह सकते हैं हमारा जो है वो टाइटल नेम गूगल के सर्च इंजन में वो रनअप करने लग जाता है या ऐड हो जाता है हमेशा के लिए। मित्रों, जब हमारा कोई वीडियो का सर्च कंसोल्टी में वो टाइटल चेंज हो गया एक बार, दोबारा से वो टाइटल अगर आप हटा देते हैं और कोई दूसरा टाइटल वहाँ पे लगा देते हैं मित्रों, तो वो वीडियो बिल्कुल सर्च करने से दिखाई नहीं देगा या बहुत कोशिश के बाद दिखाई दे सकता है। तो कहने का मतलब मित्रों ये है कि जब वो वीडियो आसानी से सर्च करने पे दिखाई दे रहा था, वो अब आसानी से सर्च करने में नहीं दिखाई देगा। वो कहीं वीडियो के नीचे दब करके रहेगा मित्रों, या फिर बहुत नीचे सजेस्ट कर सकता है यूट्यूब से, मतलब वो जो आपका टाइटल था वो आप कभी नहीं चेंज करेंगे। अगर बाद में आप टाइटल चेंज करते हैं तो वो वीडियो आपका सर्च में नहीं आएगा, खासतौर से वो वीडियो आपका सर्च में जल्दी दिखाई नहीं देगा। वही नेम, अगर आपका वही टाइटल नेम, पुराना वाला टाइटल नेम आपका अगर गूगल नहीं पाता है, तो वो सर्च कंसल्टेंट से उसे बाहर कर देता है, यानी कि सर्च में नहीं आता है, या आएगा भी तो बहुत नीचे वीडियोस के सजेस्ट वगैरह में आ सकता है, लेकिन जल्दी नहीं दिखाई देगा। तो यही वजह होता है मित्रों, आज के वीडियो में सिर्फ यही विशेष जानकारी आपको देनी थी कि कभी भी आप अपने वीडियो को एडिट करते हैं तो वहाँ पे सब कुछ चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप अपने वीडियो के टाइटल को कभी नहीं चेंज करिएगा मित्रों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर लेना, चैनल बनाए सब्सक्राइब करके ही जाना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारे आने वाली सभी नॉलेजेबल वीडियो सूचनाएं आपको मिलती रहें। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक ले जाए, धन्यवाद।